पीरियड या ये सुबह उठ करके बच्चों को ओरल कराने लग गए थे, यानी पढ़ाने लग गए थे। तो फिर इधर मैंने कहा लाओ बिस्तर खाली है, ये मैं सेट कर दे रही हूँ। यहाँ पर मैं आलू बॉयल होने के लिए रख रही थी, जिसके लिए मैंने आलू कच्चे ही छील लिए थे, क्योंकि नए आलू ना उबलने के बाद में अच्छे से छिलने में नहीं आते हैं, उसके बजाय कच्चे छील लो तो जल्दी छिल जाते हैं। तो मैं कच्चे छील करके ना बॉयल होने के लिए रख रही थी। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल यानी आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम वर्मा ब्लॉग्स पे आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब, आप और आपका साल का पहला दिन कैसा बीता मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। है सुबह के 10 बज रहे हैं, मैं बनाने जा रही हूँ, मैंने इसमें आलू बॉयल होने के लिए रख दिए, मैं बनाने जा रही हूँ आलू की कचौड़ी, जो कि पापा जी की फरमाइश है। शाम को बोल रहे थे कचौड़ी बनाना आलू की, तब तक मैं चटनी की तैयारी करे ले रही हूँ, हरी चटनी, क्योंकि कचौड़ियाँ खाई किसे जाएंगी, पापा जी चाय से तो खाते नहीं है। तो कचौड़ियों के लिए मैं हरी चटनी बनाने वाली हूँ, धनिए वाली, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर चुकी हूँ। तो रेसिपी शेयर नहीं करूँगी और शायद कचौड़ियों की भी नहीं करूँगी, लेकिन दिखाऊँगी ज़रूर कचौड़ियाँ जो बना रही हूँ मैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अपने ब्लॉग में, बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। कचौड़ियों की तैयारी कर रही हूँ, तो चलिए उधर कपड़े धुल रहे हैं उसमें वॉशिंग में, निकालती हूँ। फैन ठंडी लग रही है, ठीक है, नील्स कट कर, सर्दियों मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी काम करने का, बिस्तर में से निकलने का ही मन नहीं कर रहा। बच्चों से कह रहे हैं लेट जाओ या रजाई में बैठो, तो उन्हें तो बस खेलने को चाहिए। गरम गरम आलू का भरता बना लो तो बहुत अच्छा बनता है, आलू ठंडे हो जाए तो उस तरह का भरता नहीं बनने में आता है जैसा कचौड़ियों के लिए हमें चाहिए। बहुत गर्म है, हाथों में लग रहे थे, और मौसम ऐसा हो रहा है कि कचौड़ी और पकौड़ी का ही मन कर रहा है। पापा जी आलू खाओगे चटनी से? ऐसे ही उबले हुए? हाँ, चटनी से, हरी चटनी से। अभी इनमें मसाला नहीं मिलाऊंगी मैं, मसाले बाद में मिलाऊंगी, और ना ही नमक मिलाऊंगी, क्योंकि नमक मिलाने के बाद में भरता गीला हो जाता है। तो इतने आलू मैंने निकाल के रख दिए, केवल इतने आलूओं का बनाया है। इधर खाने की तैयारी कर दी मैंने, केवल आटा रह गया गूंथने के लिए, वो मैं बाद में गूंथूंगी थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी है वीडियो की, और अगर एडिटिंग नहीं कर पाई तो आप लोगों के पास तक ब्लॉग नहीं जा पाएगा। और मैं इनके लिए लाई हूँ एप्पल कट करके, आइए आप लोग भी खा लीजिए। ये जा रहे हैं बाहर, और आज हमारे घर में कोई नहीं नहाया है, और ना ही किसी का मन कर रहा है नहाने का, क्योंकि बहुत सर्दी हो रही है और आज बारिश भी हो सकती है, यहाँ पर मौसम बहुत खराब हो रहा है। रुद्र मोबाइल बंद करो। और ये मेरी गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तय बन करके तैयार हो गई हैं, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। ले आओ चाय, लेंगे पापा ने। प्रांजल
आज प्रांजल को हमने डांट दिया और प्रांजल रोने लगे। ये तो तैर गए। हाँ क्यों? पढ़ाई पे डांटती है। 36 बार 4 साइन। एक ब्लेड ब्लेड है क्या? ये जैकेट है? जैकेट लाया है। ये किसकी है? काट दूंगा जैकेट। ये रुद्र की है। और ये किसकी है? ये सही है भैया की। कपड़े बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं। सही है। ये बड़ी वाली नहीं पहराई थी, छोटे वाली। लच्छू लच्छी आपकी है? रुद्र पहन के दिखाना। दोनों साइड बेल्ट खोल ली। बेल्ट देखो, ये खेलने के लेके आए बेल्ट। टूट जाएंगे। और ये दोनों जैकेट पापा जी दिला के लाए थे बच्चों को, और मना किया माने ही नहीं कि नहीं। और जबकि बच्चों के पास जैकेट है, बहुत जल्दी कपड़े छोटे हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा कपड़े लेते नहीं है बच्चों को। ऊंची नहीं आ रहे, नीची बोलते हैं। सही आ रही, अगली साल आ जाएगी। यहाँ पर ये शाम का टाइम है, और मैंने 1 जनवरी को पुलाव बनाए हुए थे, तो उनमें से बचे हुए रखे थे, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो अभी खाना ख़राब नहीं होता है। तो मैंने कहा ये चावल ऐसे तो खाए नहीं जाएंगे, लाओ इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो मैं इन्हें फ्राई कर रही थी अपने खाने के लिए। तो आप लोग भी इस तरह से अपने घर में अगर खाना बच जाता है सुबह का या शाम का, तो आप उसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। यानी उसे फेंकने से अच्छा है कि खा लिया जाए। अगर खाना खाने लायक है तो उसे यूज़ कर लिया जाए। और यहाँ पे मैंने वो आलू भी फ्राई किए थे जो सुबह कचौड़ियाँ बनाते टाइम मैंने उठा करके रख दिए थे। आज शाम के खाने में, यानी डिनर में, हमारे यहाँ रोटी और तले हुए आलू है, यानी फ्राई किए हुए। क्योंकि आलू पापा जी बोले कि आज आलू फ्राई, केवल आलू खा जाएंगे, तो मैंने कहा आलू क्या खाएंगे, रोटी भी खा लीजिए। तो बोले अच्छा, तो ज़्यादा भूख नहीं है उन्हें, तो इस वजह से बोले आलू ही खाएंगे। तो मैंने कहा रोटी और खा लीजिए, रोटी भी सेके दे रही हूँ तो मैं, और यही हम लोग खाएंगे। तो मैंने तो अपने लिए चावल फ्राई किए थे, वो खाऊंगी करके। हमारा जो डिनर है, रूखा सूखा जैसा भी है, जो भी हम खा रहे हैं, वो आप भी खा लीजिए। आज मैंने ज़्यादा बात नहीं की, आज क्या 1-2 दिन से मैं बात ही नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों से वीडियो में। और अभी सोने का टाइम है, काम वाम से फ्री होकर के किचन के सारे काम कर आई हूँ मैं, सुबह के लिए निपटा करके आई हूँ। और वही वाला काम कर रही हूँ, कल वाला पैर सेक रही हूँ अपने। ये देखो ये जल रहा है, और रुद्र भी हमारा बैठा हुआ है, अभी सोया नहीं है। और आज हमने खाने में आपको दिखाया था जैसे कि चावल, और वो चावल वाकई में बहुत टेस्टी बने थे, जो फ्राई करके, मतलब जो खाना हमारा रखा हुआ था हमने उसे यूज़ कर लिया, फेंका नहीं, और फेंकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी सर्दियों में खाना ख़राब नहीं हो रहा। अगर थोड़ा बहुत बच जाता है सुबह का अगर बच जाता तो वो शाम को यूज़ कर लेना चाहिए, अगर शाम का बच जाता तो सुबह, क्योंकि हमारे पास तो ये खाना है। जो लोग इस लायक नहीं हैं तो उनके पास तो ऐसा खाना भी नहीं है, तो इसलिए खाने को फेंकना नहीं चाहिए, उसे यूज़ कर लेना चाहिए अगर यूज़ करने लायक है तो। साथ अपने वीडियो का एंड करती हूँ, और देखिए सब जमा रहे हैं बैठे हुए, वो भी सोने के लिए जमा रहे हैं, उधर पापा जी भी लेट गए हैं, और ये हमारा बंदर लेटता ही नहीं है मेरे बिना, और वो छोटा वाला तो सो गया है लक्ष्य। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और साथ में घंटी के बटन को भी प्रेस कर देना। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड नाइट बोलो रुद्र। गुड नाइट। ध्यान रखिए ऐसी सर्दी में अपना, अपनी फैमिली का, और ख़ास करके घर के बड़े बुजुर्गों का और बच्चों का, क्योंकि ये सर्दी बहुत भयंकर वाली होती है, इसमें बच्चे बहुत जल्दी बीमार होते हैं और घर के बुजुर्ग, तो उनका ध्यान रखिए। चलिए बाय बाय।